फूलपुर स्थित इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको में मंगलवार देर रात यूरिया इकाई में अमोनिया गैस का रिसाव हो गया, जिसकी चपेट में आने से दो अफसरों समेत 14 लोगों की हालत बिगड़ गई। सभी को अस्पताल भेजा गया, जहां असिस्टेंट मैनेजर बीपी सिंह व डिप्टी मैनेजर अभय नंदन की मौत हो गई। 12 अन्य लोगों को शहर स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया। फूलपुर स्थित इफको में अमोनिया व यूरिया निर्माण की दो दो इकाइयां हैं, जहां रात 10 बजे रात्रिकालीन शिफ्ट में तैनात कर्मचारी अलग अलग इकाइयों में काम पर लगे हुए थे। 11:30 बजे करीब यूरिया इकाई में अचानक अमोनिया गैस का रिसाव होने लगा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी बाहर निकलकर बाहर की ओर भागने लगे। इसी दौरान अन्य तो किसी तरह बाहर निकल गए, लेकिन 14 लोग गैस की चपेट में आ गए, जिससे उनकी हालत बिगड़ने लगी। इसमें से कई इकाई के भीतर ही बेसुध भी हो गए। सूचना पर कंपनी के अफसरों के साथ ही पुलिस भी आ गई। किसी तरह हताहत लोगों को फैक्ट्री से बाहर निकालकर शहर के अस्पताल में ले जाया गया। इनमें से असिस्टेंट मैनेजर यूरिया वीपी सिंह व डिप्टी मैनेजर ऑफसाइट अभिनंदन कुमार पुत्र सूर्य नारायण की हालत बेहद गंभीर बनी हुई थी। अस्पताल में इलाज के दौरान कुछ घंटों बाद दोनों की मौत हो गई, जिससे वहां कोहराम मच गया। वन में प्लांट हम लोग का है, उसमें क्या कहते हैं रॉड थी प्लंजर, उसमें वो टूट गया। टूटने के कारण जो भी उसमें अमोनिया थी वो लीक हो गई। जो आसपास के एम्प्लॉय थे जो हम लोग, वो उन्होंने सांस लेते होंगे ना, तो वो सांस उन्होंने ले लिया तो अंदर चली गई, जिससे उनको प्रॉब्लम हुई। तो यहाँ से तुरंत ही हम लोग फर्स्ट एड होता है, तुरंत हम लोग हॉस्पिटल टाउनशिप में है, तुरंत वहाँ उन्होंने ले गए। वहाँ से फिर उनको लगा कि थोड़ी सी इन लोग की प्रॉब्लम है, तो इलाहाबाद रेफ़र कर दिया। इलाहाबाद रेफ़र 8 लोग को किया गया, जिसमें से 2 कैजुअल्टी हो गई है। मिस्टर वीपी सिंह है, एज 47, असिस्टेंट मैनेजर हैं। मिस्टर अभय नंदन कुमार, एज 57 ईयर्स हैं, डिप्टी मैनेजर हैं। सर, टोटल जो प्लॉट एरिया जो है उसको सील किया गया है, क्या उससे आसपास के क्षेत्रों को भी प्रभाव पड़ा है? नहीं, वो तुरंत हम लोग के क्या करते हैं, जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ तुरंत हम लोग को स्टॉप कर देते हैं। उस टाइम हम लोग पूरा जहाँ पे तो सब बंद कर दिया, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फायर एंड सेफ्टी हमारा डिपार्टमेंट है, उस एरिया को तुरंत सील कर देता, किसी को आने नहीं देता और किसी को जाने पट्टे देता। मैं विश्वी श्रीवास्तव, जनसंपर्क अधिकारी, इफको फूलपुर। घटना लमसम 11 बजे की है, और फ़ोन किया गया वहाँ से हॉस्पिटल से, इफको हॉस्पिटल से, फिर वहाँ से एम्बुलेंस द्वारा यहाँ लेकर आए हम लोग। कितने लोगों को आप लोग यहाँ लेकर आए, टोटल कितने लोग बीमार हैं? यहाँ पे 4 लोग, और बाकी तो भैया आप बता नहीं सकते हम, लेकिन फिलहाल यहाँ पे 4 लोग हैं। आपका परिचय? मैं अखिलेश यादव जी, मेरे चाचा हैं। अच्छा। देखिए, ज़्यादा डिटेल तो हमको भी नहीं पता, क्योंकि अमोनिया क्लाउड बहुत था। अमोनिया क्लाउड में को कहाँ से, किधर से, क्या है, ये तो आइडिया लगाना मुश्किल था। तो उस चीज़ के बारे में तो वो एक इन्वेस्टिगेशन होगा, वो उसी से पता चलेगा। जिस समय लीकआउट हुआ था उस समय आप लोग वहाँ क्या कर रहे थे? मैं प्लांट के राउंड के लिए निकला था,
तो वहाँ पे अमोनिया जब हुई तो मैं कंट्रोल रूम की तरफ भागा, क्योंकि सारी कंट्रोलिंग वहीं से होती है। तो कंट्रोल रूम में भी अमोनिया आ गई थी, तो हम लोग ट्रैप हो गए थे। लगभग कितने बजे की घटना है? 10:15 के, रात के 10:15 के आसपास, उसी के आसपास की। आपका परिचय? गौरांग सिन्हा।